कि लक्ष्मण जी ने ऐसा क्यों कहा कि मोरे सबई एक तुम स्वामी या अहम तावन महाराजे पितृत्वम नोपलक्षये, कि हम तो आप में पिता को भी देखते हैं, माता को भी देखते हैं, सब कुछ आप मेरे हैं, एकमात्र आप हैं, क्योंकि वो ज्ञानी हैं। हम लोग ऐसी बात करते हैं तो ये हमारे पिताजी हैं, ये हमारी माँ हैं। लेकिन आप बताइए, खुद सोचिए आप हम का अर्थ क्या मानते हैं, शरीर या आत्मा? आत्मा। आत्मा तो आत्मा का तो कुछ नहीं नाता है माता पिता भाई बहन से, शरीर के नाते हैं। और क्योंकि शरीर ही क्षण भंगुर है, आपका भी और आपके संबंधियों का भी शरीर ही क्षण भंगुर है, इसलिए नाता भी बहुत क्षण भंगुर है, शरीर तक सीमित है। आत्मा अजर अमर शाश्वत है, इसलिए वो नाता भी अजर अमर शाश्वत है। हमारे सारे नाते केवल और केवल भगवान से ही हैं। जैसे यूं समझिए कि समुद्र में से तरंगे उठती रहती हैं, वो तरंगे मिलती हैं एक दूसरे से और समय समझती हैं कि हम बहने हैं, लेकिन अगले क्षण कौन सी तरंग कहाँ गई किसी तरंग को नहीं पता। समुद्र से निकली थी, समुद्र में समा गई, इसलिए समुद्र को पता है कि वो तरंगे कौन थी कहाँ गई, सिर्फ समुद्र को पता है। इसी प्रकार हमारा नाता केवल भगवान से है, अनंत काल से है और अनंत काल तक रहेगा, ये छूटता नहीं। हम अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग में भी जा सकते हैं, नरक में भी जा सकते हैं, और किसी भी और लोक में और गोलोक में भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। हम चाहे जहाँ जाएं, अगर ऐसा नहीं है कि हमको आज कुत्ते बिल्ली गधे का शरीर मिल गया तो भगवान कहेंगे राधे राधे अब तो हम चले, हम तुम्हारे इस गंदे शरीर में थोड़ी रहेंगे ना। चाहे हम नरक जाएं, स्वर्ग जाएं, कितने गंदे शरीर में जाएं, कितने छोटे शरीर में जाएं, भगवान हमारे साथ रहेंगे, हर क्षण रहेंगे, क्योंकि वो हमारे असली नातेदार हैं। संबंध शब्द का अर्थ होता है सम, शब्द माने होता है सम्यक, यानी पूरा संपूर्ण रूप से सदा के लिए, और बंधन माने बंधन, अटैचमेंट। तो जब हमारा किसी से सम्यक बंधन हो जाए, यानी सदा के लिए बंधन हो जाए, उसका ही नाम संबंध है। संसार के नाते तो थोड़ी देर के हैं, और ये भी नहीं पता कि कितनी देर का है। माँ ने जन्म दिया बेटे को अभी अभी, और चार घंटे बाद वो चला गया। न माँ का अधिकार है कि वो रोक ले, न बेटे का अधिकार है कि वो रुक जाए। बेटा नहीं कह सकता जी माँ को अब छोड़ के मैं अभी कैसे जा सकता हूँ, माँ नहीं कह सकती है तुम मेरे बेटे हो, तुम अभी मुझे पैदा हुए, अभी तुम छोड़ के मुझे जा रहे हो, कोई अधिकार नहीं है। भगवान को सब पता है। तो इसीलिए क्योंकि लक्ष्मण जी तो ज्ञानी है, उन्हें पता है कि हमारे भी और हमारे पिता के भी सर्वस्व यही है, हमारे भी पिता यही है, हमारे पिता के भी पिता यही है। गोपियों को पता था ये हमारे प्रियतम है, हमारे पति के भी यही प्रियतम है, इसलिए उन्होंने कहा, ऐसी परिस्थिति में कहा।